ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है स्त्री स्वाभिमान। स्त्री स्वाभिमान का जो टॉपिक है उसका क्या है कि स्त्री स्वाभिमान इज ए प्रोग्राम। अगर हम बात करें तो स्त्री स्वाभिमान एक कार्यक्रम है किसका, स्त्री ISS स्त्री स्वाभिमान, इस तरह की सकते हैं हम कि स्वाभिमान एक कार्यक्रम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और HDFC ने बैंक ने मिलकर चलाया। किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और HDFC बैंक। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि स्त्री स्वाभिमान प्रोग्राम किसने चलाया है। तो एक्चुअली है क्या स्त्री स्वाभिमान प्रोग्राम, HDFC और बैंक दोनों मिलकर, HDFC और इंडिया गवर्नमेंट मिलकर जो भारत में एडोलेसेंट गर्ल हैं, यानी जो किशोर बालिकाएं हैं और वीमेन हैं, इनके लिए रियायती दरों पर और हाइजीनिक जो पैड हैं उन नैपकिन पैड की उपलब्धता कराना, कहाँ पर, गांव एरिया में। यानी ये ध्यान रखना है कि जो इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड हैं, ठीक है, इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड, तो इको फ्रेंडली जो सैनिटरी पैड हैं उनको कहाँ कराना है कि रूरल इंडिया में अवेलेबल कराना है। यानी जब से ये पैडमैन मूवी आई है तब से काफ़ी कुछ इस फील्ड में हुआ है। यानी स्त्री स्वाभिमान एक कार्यक्रम है जिसमें हाइजीनिक, इको फ्रेंडली, सस्ते कम से कम पैसे में और ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन एंड गर्ल्स को एक हाइजीनिक सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, इसका मेन पर्पस है। तो ये ध्यान रखना है स्त्री स्वाभिमान किसी स्त्री को या किसी लड़की को, महिला को रोजगार प्रोवाइड नहीं कराता, ठीक है, ये क्या कराता है, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को हाइजीनिक, इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड उपलब्ध कराता है कम पैसे में, मिनिमम पैसों में अधिकतम लोगों तक या अधिकतम महिलाओं तक इसकी पहुंच को पहुंचाना, यानी पहुंच को उपलब्ध होना, सभी तक ये मिलना चाहिए। और ये है स्त्री स्वाभिमान कार्यक्रम। तो क्लियर है स्त्री स्वाभिमान, तो बस ये ध्यान रखना है कि ये इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड, क्योंकि इंडिया में ऐसा आया था कि 45% महिलाएँ सैनिटरी पैड का यूज़ नहीं करती हैं, जो डोमेस्टिक यूज पे जो भी कपड़ा वगैरह उसका इस्तेमाल करती हैं। तो भारत सरकार चाहती है, उसे कई सारी बीमारियां होती हैं, तो भारत सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फीमेल्स हैं उनको ये चीज़ उपलब्ध कराई जाए और कम से कम पैसों में, ताकि जो होने उससे होने वाली बीमारियाँ हैं वो कम से कम हो सकें। तो ये था स्त्री सम्मान, स्त्री स्वाभिमान। नेक्स्ट है एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट, एडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट AHP, ठीक है, एडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट। ये एक्चुअली क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मिला हुआ है कार्यक्रम है। यानी एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है, ये ध्यान रखना है, किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दोनों ने मिलकर किया है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है जो इंडिया के मोनूमेंट्स हैं उन इंडिया के मोनूमेंट्स को निजी व्यक्तियों, निजी संस्थाओं और
जो निजी, चाहे वो निजी व्यक्ति हो चाहे कोई एनजीओ हो, ठीक है, उसको उस मोनूमेंट्स की देखभाल के लिए जिम्मेदारी सौंपना या उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना या उनका सहयोग लेना। तो सीधी सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें गवर्नमेंट की बॉडी कोई भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट कोई बॉडी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, वो किसी भी मोनूमेंट की देखभाल की जिम्मेदारी ले सकता है। तो इसी, जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा उसे हम, उसके लिए कुछ एक नाम इन्होंने रखा था, वो था मोनूमेंट मित्रा। तो कौन बोल होंगे? मोनूमेंट मित्रा। तो मोनूमेंट मित्र कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो किसी भी मोनूमेंट को देखभाल के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। और ये अभी जो पहला मोनूमेंट दिया गया था वो आपको याद होगा कि रेड फोर्ट लिया गया था। रेड फोर्ट किसके द्वारा लिया गया था? डालमिया ग्रुप द्वारा, काफ़ी न्यूज में आया था। इसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि भाई जो गवर्नमेंट की संपत्ति है वो किसी को, व्यक्ति, निजी व्यक्ति को या निजी कंपनी को क्यों दी जा रही है। तो विरोध तो होता है, लेकिन गवर्नमेंट की जो मंशा है वो ये है कि क्यों ना हम इसकी देखभाल के लिए, ये जो हमारे भारतीय उद्योगपति हैं या भारतीय संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, उनका हम सहयोग लें। तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, वो कोई मोनूमेंट अपने घर नहीं ले जा रहे हैं, बस उसकी देखभाल की जिम्मेदारी ले रहे हैं, बस इतनी सी बात है। ऐसे लोगों को जो किसी मोनूमेंट की देखभाल की जिम्मेदारी लेंगे, इसको बोलते हैं गोद लेंगे, उनको मोनूमेंट मित्रा कहा जाएगा, मोनूमेंट मित्र कहा जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, केवल देखभाल की जिम्मेदारी वो लोग लेते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि रेड फोर्ट लिया है किसी ने तो अंदर जाके कुछ तोड़फोड़ करवाना है, नहीं, उसकी केवल जो देखरेख है, लाइट है, सिक्योरिटी है, टूट फूट है, जो बाहरी है उसको सही कर सकते हैं, अंदर कुछ भी चेंज वो नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना है, एडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, और इसमें एनजीओ, किसी संस्था या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा किसी मोनूमेंट्स को, किसी हेरिटेज को गोद लिया जाता है और वो उसकी देखभाल करता है, ऐसे व्यक्ति को मोनूमेंट मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे डेटा फॉर न्यू इंडिया। ओके, डेटा फॉर न्यू इंडिया ये एक्चुअली क्या है? ठीक है, तो डेटा फॉर न्यू इंडिया इज एक प्रोग्राम है जिसमें क्या है कि जो भारत में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनके डेटा को एक साथ कलेक्ट करना है, और कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट का उन डेटा के हिसाब से सकता है। तो बस ये याद रखना है कि डेटा फॉर न्यू इंडिया, यानी उनको डेटा अवेलेबल होगा, जो व्यक्ति वहाँ से डेटा कलेक्ट करके कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, प्रश्न बनेगा डेटा फॉर नो इंडिया क्या है? तो डेटा फॉर नो इंडिया इज ए इनिशिएटिव है, किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और इसमें सारे जो विभाग हैं उनका सबका डेटा अवेलेबल रहेगा, और उस डेटा को कोई भी एनजीओ या गवर्नमेंट उस डेटा के अकॉर्डिंग कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें पार्कर सोलर प्रोब। ये क्या है? पार्कर सोलर प्रोब इज ए प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है, किसका है? नासा का है।
ये एक नासा का प्रोजेक्ट है, कार्यक्रम है, किसके लिए? स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ द सन, यानी सूर्य के वायुमंडल के स्टडी के लिए ये एक प्रोजेक्ट है नासा का, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ द सन, सन के एनवायरनमेंट का स्टडी करने के लिए नासा द्वारा शुरू किया गया एक रोबोटिक प्रोजेक्ट है। तो ये ध्यान रखना है कि पार्कर सोलर प्रोब एक रोबोटिक प्रोजेक्ट है, एक रोबोट है जो सूर्य में जाकर उसकी फोटोस्फीयर और कोरोना का स्टडी करेगा। तो ध्यान रखना है कि जो फोटोस्फीयर होता है, जो फोटोस्फीयर होता है वो सूर्य का सबसे बाहरी पार्ट होता है जो हमें दिखाई देता है, कोरोना इसके अंदर वाला पार्ट होता है। ये बात याद रखना कि सबसे कोरोना का टेम्परेचर जो है वो फोटोस्फीयर से ज़्यादा होता है। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पार्कर सोलर प्रोब है ये एक रोबोटिक प्रोजेक्ट है, किसका है? नासा का है, और ये सन का एटमॉस्फेयर का स्टडी करेगा, वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट वहाँ का जो है वो उसको स्टडी करेगा, और उसमें खासकर कोरोना का स्टडी करेगा। कोरोना इज हॉटर देन फोटोस्फीयर, यानी कोरोना का जो टेम्परेचर है वो फोटोस्फीयर से ज़्यादा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे। हाँ, एक्चुअली मैं और बता दूँ आपको, मैं हर संडे आपके लिए 50 क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स पैटर्न पे लेके आने वाला हूँ। हर संडे 50 क्वेश्चन UPSC पैटर्न पे, ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वो भी आप लोग, आपके लिए मैं प्रोवाइड कराऊँगा, और वो क्वेश्चन मैक्सिमम करंट अफेयर से ही रहेंगे। यानी वो टॉपिक, हम उन टॉपिक्स को या उन टॉपिक्स को क्वेश्चन के थ्रू अटेंड करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो चीज़ हम आपको यहाँ नहीं दे पाएंगे वो हम क्वेश्चन के थ्रू आपको देंगे। तो आज के इतना काफ़ी है। थैंक यू।